हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम फॉर यू। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ और आज के वीडियो वेडिंग इनविटेशन वीडियो से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको रॉयल वेडिंग इनविटेशन वीडियो कैसे क्रिएट होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। और दोस्तों उसकी प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले उसके लिए अपना वंडरसन फिल्मोरा ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर फाइल पर जाना है, यहाँ से इम्पोर्ट करना है और एक मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेन कॉम्प दोस्तों ये देखिए, इस तरह की हमारी मेन कॉम्प होगी, यानी कि मेन वीडियो होगा। ये देखिए दोस्तों कितना अट्रैक्टिव और ये रॉयल वेडिंग इनविटेशन वीडियो है दोस्तों। तो सिंपली इसको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अपना क्रोमा की इनेबल कर देना है। तो क्रोमा की इनेबल करेंगे, यहाँ से सिंपली ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। इसकी टोल ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे हमने 28 कर दिया और एज फैदर यहाँ पे बढ़ा दिया, हमने फैदर इसका कर दिया अराउंड 9 और ओके कर दिया। अभी दोस्तों क्या करना है, इसको ऊपर यहाँ पे वीडियो की लेयर को शिफ्ट कर देना, सिंपली यहाँ से करना है लॉक। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है और अपनी फोटोज़ इंपोर्ट करनी है। तो मैं सिंपली वेडिंग इनविटेशन है तो सिंपली ये वाली पहले फोटो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। अब इस प्लेट को थोड़ा सा आगे लाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये हमारी इमेज जहाँ तक है, तो मैं देखता हूँ कहाँ तक हमारी इमेज है। ये देखिए हमारी ये इमेज इस जगह तक है, तो सिंपली हम इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग यहाँ तक कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको इस तरह से प्ले करके देखते हैं और इसको अब क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। इसको साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। अब दूसरी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, तो सिंपली हम यहाँ पे ब्राइट की इमेज ऐड कर देंगे। तो ब्राइट की इमेज जैसे मैं याली इमेज यहाँ ऐड कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे इस इमेज को ड्रैग करके नीचे ले आए हमने। और इसको भी देखेंगे कि कहाँ तक ये हमारा वीडियो चल रहा है, जैसे कि मैंने ड्रैग कर लिया ये इस जगह तक, सिंपली यहाँ से इसको यहाँ तक कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ पर ग्रूम की इमेज ऐड करेंगे, यानी कि दूल्हे की इमेज। तो सिंपली दूल्हे की इमेज के लिए हम ये फ़ोटो ऐड कर देते हैं इस तरह से और थोड़ा सा आगे आएंगे, देखेंगे ये हमारी इमेज कहाँ तक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये हमारी यहाँ तक इस जगह तक है, सिंपली इसको भी यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे आना है ताकि हमें दिखे कहाँ तक हमारी इमेज है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अभी क्या करना है, वह हमें टाइप करना है वेन्यू, यानी कि लोकेशन जो भी गेस्ट हाउस वगैरह होगा, तो सिंपली उसकी इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली और इसको भी नीचे यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे कहाँ तक ये हमारे गेस्ट हाउस की इमेज है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ तक फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। बाकी दोस्तों अगर आपको इमेजेस में और ऐड करनी है तो आप ऐड कर लीजिएगा। और अभी ये यहाँ तक हमारा कम्प्लीट हो गया। अभी क्या करना है, सिंपली ये प्ले हो रहा है इस तरह से। तो अभी क्या करना है, इन सब इमेज पे एक इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है, इफेक्ट पे जाना, यहाँ पे सर्च करना MILD मिल्ड और मिल्ड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। तो आपकी फ़ोटो को क्या होगा कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे मूव होगी, यानी कि हल्का हल्का मूव होगी जो कि देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आप इसके क्या करता है, यहाँ पे इफेक्ट में गए और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, ये मिल्ड का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। कुछ इस तरह से फ्रिक्वेंसी वगैरह इसकी यहाँ से इफेक्ट में जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। सिंपली टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और देखना है कि हमारी इमेज यहाँ पे स्टार्ट हुई, इमेज के थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेक्स्ट हमारा है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद दोस्तों इसको नीचे आना है और इसका साइज कम कर लेना है, यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। और प्लेस करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे आना, ये यहाँ पे चल रहे हैं जो दो इसके बीच में रखना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर एक एनिमेशन क्रिएट कर देंगे इस तरह से। प्रीसेट पे जाएंगे, प्रीसेट के बगल में एनिमेशन और यहाँ पे हम कर देंगे इरेज का एनिमेशन कुछ इस तरह से। एडवांस में जाएंगे, इस पर एडवांस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से इस तरह से पैनल खुल जाएगा और इसका यहाँ साइज फुल कर देंगे और इसको यहाँ पे इरेज इस तरह से कर देंगे कुछ और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करना है, सिंपली एक स्पार्कल का मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास एक स्पार्कल है, तो सिंपली इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से, डबल क्लिक करना है इस पर और ये ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपोजिंग इसका यानी कि ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे कर लेंगे लाइटन, या यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्रीन, तो स्क्रीन ज़्यादा लाइट हो जाएगा, लाइटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से साइज़ का कर लेंगे छोटा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे कुछ इस तरह से। तो अभी टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट इसके बाद प्ले होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से और इसको प्ले करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो बाकी का हम यहाँ से इसको कर देते हैं ट्रिम इस तरह से, और ये जो थोड़ा यहाँ पे इसकी साइज खिंच गई है तो इसको हम कर लेते हैं कम ताकि ये राउंड पे रहे। तो इसको प्ले करेंगे, तो ये देखिए अब जहाँ पे दोस्तों ये योर टाइटल लिखा है यहाँ पे आपको टाइप करना है वेडिंग इन्विटेशन, तो सिंपली वेडिंग इन्विटेशन। और यहाँ से फॉन्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल में वेडिंग इनविटेशन। और यहाँ से इसका साइज हम कर लेंगे थोड़ा छोटा, सॉरी इसका, और ये जो ऊपर वाली लेयर डिस्टर्ब कर रही थी इसको लॉक कर लेंगे। अब इसका साइज टेक्स्ट का कर लेंगे छोटा और इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे और यहाँ से इस गोल्डन कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा रॉयल कलर यहाँ पे शो हो गया। तो दोस्तों क्या करना है, इसको प्ले करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा तो हमने सिंपली इस दोनों को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ कंट्रोल वी कर, इस लेयर को भी लॉक कर लेना और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे ब्राइट का। तो सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राइट का नाम लिख लेंगे। ब्राइट का नाम मैं क्या लिखता हूँ, काजल। चौहान कुछ इस तरह से मैंने ब्राइट का नाम यहाँ लिख लिया और अभी इसको प्ले करेंगे तो फिर देखिए वैसे ही प्ले होगा। और इसका दोस्तों सिंपली इसकी फिर कॉपी करनी है और यहीं पे हमको पेस्ट कर देनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अब हम ग्रूम का नाम लिख लेंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ग्रूम का नाम लिख लेंगे यहाँ पे अभिषेक चौहान, और इसको भी यहाँ फिल कर देंगे। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसके सेंटर में रहे, और ऐसे इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसके सेंटर में रहे। अब इसको प्ले करेंगे तो देखिए ये भी इस तरह से है जो कि देखने में अभी ठीक लग रहा है। तो अभी दोस्तों क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे जो हमारा वेन्यू है तो सिंपली इस पर कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे फिर इसको, और यहाँ पे प्लेस जो है आपका वेन्यू, तो यहाँ पे हम सिंपली अब क्या टाइप कर देंगे वेन्यू, यहाँ पे लिख देंगे प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों जो भी आपका वेन्यू हो वो आप लिख लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब अस, सिंपली हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अभी दोस्तों मैं इसको फाइनली, अभी इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली एक अपना वेडिंग से रिलेटेड ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ताकि आपका ये वीडियो और भी अच्छा देखने में लगे। तो मैं कोई ऑडियो नहीं यूज कर रहा हूँ ताकि ये कॉपीराइट क्लेम वगैरह क्या कंटेंट हो जाता है, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं यूज कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा वीडियो कैसा क्रिएट हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और ये जो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप कैमरे के जस्ट बगल में, स्पीकर के जस्ट बगल में इस तरह से दो एरो बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिट टू टाइमलाइन भी आ जाएगा। दोस्तों अभी मैं इसको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपका वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों मैं इसको प्ले करता हूँ।
दोस्तों ये कुछ इस तरह से हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी कूल एंड अमेजिंग लग रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियो डेली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रो लेवल एडिटिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शुभम फॉर यू।